क्या चांद पे पानी एग्जिस्ट करता है? क्या फ्यूचर में इंसान बसाने जा रहा है अपनी दुनिया चांद पर? ऐसा क्या कर दिखाया इंडिया ने जो अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे मुल्कों की स्पेस एजेंसी ना कर सकी? आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे सफर में जो चांद के राजों को खोलने वाला है। इसरो का मून मिशन चंद्रयान 3। We start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. This is the moment that it took off just under an hour ago. It entered Earth's orbit shortly after. It's India's second attempt at a lunar landing. It's certainly a very proud moment for people in India as the country created history to be the first one to land on the south pole of the moon. This isn't just the first in India, it's the first in lunar exploration. भारत चांद के कुतुब जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं ये मून मिशंस किए कैसे जाते हैं और क्या जरूरत पेश आती है मून पे जाने की। दोस्तों, इंसानों का मून मिशन करने का मकसद क्या है? आखिर क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं चांद को रिसर्च करने के लिए? साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि चांद फ्यूचर में स्पेस का गेटवे बन सकता है। अगर चांद पे जिंदगी के आसार मिलते हैं तो इंसान स्पेस में चांद के जरिए मजीद गहराइयों में जा सकता है और इंसानों के रहने लायक नए प्लैनेट्स दरियाफ्त कर सकता है। चांद पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर 125 डिग्री तक चला जाता है, तो ऐसे में अगर पानी एग्जिस्ट भी करता हुआ तो वाटर वेपर बनकर स्पेस में चला जाएगा। और चांद के जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इन हिस्सों में पानी सॉलिड फॉर्म में यानी बर्फ की शक्ल में मौजूद हो सकता है। अगर चांद पे पानी बर्फ की शक्ल में मौजूद हुआ तो उसे पिघलाकर चांद को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है और कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं। अब आ जाते हैं कि मून पे मिशंस भेजे कैसे जाते हैं। मून पे मिशंस भेजने के 6 तरीके होते हैं। पहला है फ्लाई बाय मिशंस। फ्लाई बाय मिशंस सबसे सिंपल और सबसे आसान होते हैं। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट जमीन से भेजा जाता है और वह चांद के बहुत करीब से गुजरते हुए निकल जाता है और टेलीस्कोप की मदद से चांद की सरफेस को स्टडी करता है। दूसरे नंबर पे आता है ऑर्बिट मिशन। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में आके इसके गिर्द चक्कर लगाना होते हैं। चक्कर लगाते हुए चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को चारों तरफ से स्टडी करना होता है और इमेजेस कैप्चर करनी होती हैं। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। आज के दौर में इसे सबसे ज्यादा कॉमन मिशन माना जाता है। इसके अब तक 40 से ज्यादा मिशन किए जा चुके हैं। इसके बाद आता है अगला तरीका इम्पैक्ट मिशंस का। ये मिशन ऑर्बिटर मिशंस की तरह ही होते हैं। इसका मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर चक्कर लगाता है और स्पेसक्राफ्ट में से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है। इस मिशन में किसी चीज का चांद से डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा होता है, इसीलिए इसे इंपैक्ट कहा जाता है। चंद्रयान 1 भी एक इंपैक्ट मिशन था। चंद्रयान 1 का जो हिस्सा अलग होकर चांद से टकराया उसी हिस्से की वजह से हमें पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। जब ये मून इंपैक्ट प्रोब चांद की सरफेस से टकराया तो मट्टी उठी और ऊपर मौजूद ऑर्बिटर ने यह एनालाइज किया कि चांद की मिट्टी में पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 ने मून के साउथ पोल में इंपैक्ट लैंडिंग करी थी। ये वो हिस्सा है चांद का जो हमें जमीन से कभी नहीं दिखता। चांद के उस हिस्से में बहुत ज्यादा क्रेटर्स पाए जाते हैं। क्रेटर्स दोस्तों चांद के उन गढ़ों को कहा जाता है जो हमें जमीन से नजर आते हैं किसी टेलीस्कोप या इमेज में देखने से। उन क्रेटर्स में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती जिससे ये मुमकिन है कि वहां पानी हो। नंबर 4 पे आता है लैंडर मिशन। इसमें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को भेजा जाता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। क्रैश नहीं करना, उतरना है आराम से। जो हिस्सा चांद पर लैंड करता है उसे लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत मुश्किल माना जाता है। इस मिशन को करने में सोवियत यूनियन और अमेरिका की पहली 15 अटेम्प्ट्स फेल हुई। इसी मिशन में ही चांद के सरफेस की पहली इमेज कैप्चर की जो कुछ ऐसी दिखती है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है रोवर मिशंस। रोवर उस छोटी सी गाड़ी को कहा जाता है जो लैंडर से बाहर निकलकर चांद के सरफेस पर चल सके और इसकी मदद से और भी ज्यादा रिसर्च करी जा सकती है चांद के बारे में। और सबसे आखिर में आती है कैटेगरी ह्यूमन मिशंस की, जिसमें एक रोवर की जगह इंसानों को लैंडर में बिठा के चांद पे ले जाया जाता है और इंसान खुद चल सकते हैं चांद की सरफेस पे और रिसर्च कर सकते हैं। ये वही मिशन है जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बाकी साइंटिस्ट गए थे नासा के अपोलो 11 मिशन में। नासा की तरफ से आखिरी मिशन भेजा गया था अपोलो 17 साल 1972 में। तब से लेकर अब तक कोई नहीं गया दोबारा चांद पर। अब आइए जानते हैं ऐसा क्या कर दिखाया इंडिया ने जो बाकी कंट्रीज ना कर सकी। तो दोस्तों, इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है।
इससे पहले कोई भी कंट्री चांद के साउथ पोल वाले हिस्से पर नहीं पहुंच पाई। कहा जा रहा है कि चांद के इसी हिस्से में पानी के आसार पाए गए हैं, और अगर ये मिशन सक्सेसफुली आगे चलता है तो इससे हमें चांद के मुतालिक और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, इस मिशन के सक्सेसफुल होते ही इंडिया का नाम रिकॉर्ड बुक में लिख दिया जाएगा। और एक और चीज़, सबसे कम बजट में सक्सेसफुल मून लैंडिंग करना। जी हाँ, इसका बजट सिर्फ 74 मिलियन US डॉलर्स है। ये बजट इतना कम है कि आज के टाइम में इतने कम बजट में हॉलीवुड की कोई मूवी भी नहीं बनाई जा सकती। वहीं अगर बात करें नासा का जो अगला मिशन है चांद के लिए, उसके लिए जो बजट रखा गया है वो बनता है 23.2 बिलियन US डॉलर्स। और चाइना की बात की जाए तो चाइना ने जो सॉफ्ट लैंडिंग करी थी चांद पे, उसमें 219 मिलियन US डॉलर्स की लागत आई थी। अब आइए जानते हैं कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ कि इंडिया आखिर इतने कम खर्च में चांद पे पहुंच गया। आइसरो ने इससे पहले जो चंद्रयान 2 भेजा था वो भी इसी पर्पस के लिए भेजा गया था। आइसरो दोस्तों इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जिसको इंडिया स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से जब लैंडर अलग हुआ तो लैंडिंग के दौरान चांद के सरफेस से 2 किलोमीटर के फासले पर वो लैंडर क्रैश कर गया और चांद के सरफेस से टकराकर पूरी तरह डैमेज हो गया। लेकिन उस मिशन से चंद्रयान 3 को एक फायदा पहुंचा, वो था चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। उस मिशन में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सेफ रहा और आगे चल के चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर मिशन का काम किया, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर अटैच नहीं किया गया। दोस्तों यूजुअली जो चांद पे मिशन भेजे जाते हैं वो डायरेक्ट भेजे जाते हैं, यानी वो कम्प्लीटली अपने इंजन को इस्तेमाल करते हुए चांद तक पहुंचते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर चांद तक पहुंच जाते हैं, जिसमें फ्यूल की कंजप्शन बहुत ज्यादा होती। लेकिन चंद्रयान का एक अलग तरीके से मिशन किया गया था, जिसे अर्थ और मून की ग्रेविटेशनल पुल को यूज करते हुए चांद तक पहुंचना था। लास्ट मंथ 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया और इससे ठीक 40 दिन बाद यानी 23 अगस्त को मून के साउथ पोल पे लैंड करना था। इस तकनीक में दोस्तों स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के गिर्द 5 बार ऑर्बिट करना होता है, यानी जमीन के चक्कर लगाना होते हैं। हर ऑर्बिट में दोस्तों अर्थ से फासला बढ़ता जाता है, यानी उसे अर्थ की ऑर्बिट से निकाला जाता है। इसमें होता यह है कि डायरेक्ट जाने पे जो फ्यूल लग रहा होता है वो इसमें नहीं लगता, इसमें अर्थ की ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए अर्थ के ऑर्बिट से निकलना होता है। इसकी मिसाल यूं ले लें कि जैसे चांद अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा होता है, स्पेस में कोई भी छोटा प्लैनेट या कोई भी चीज, मसलन सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट, मीटरॉइड या एस्ट्रॉइड अपने से किसी बड़े प्लैनेट के करीब जाएंगे तो वो उसे मजबूर करेंगे अपने गिर्द ऑर्बिट करने के लिए। और यही सब किया चंद्रयान 3 ने। इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट को पहले अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाना था, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी की हेल्प से ऑर्बिट करने लगे और हर ऑर्बिट के साथ साथ स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से दूर कर दिया जाता। ऐसा करते करते स्पेसक्राफ्ट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर निकल जाता है तो अर्थ की ग्रेविटी उस पर असर नहीं करती। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर आ जाता है, उसका रुख चांद की तरफ करके छोड़ दिया जाता है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ स्पेस में तैरता चला जाता है। उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर आ जाता है। अब चंद्रयान 3 मून की ग्रेविटेशनल पुल को यूज करते हुए चांद के गिर्द ऑर्बिट करता है और हर एक ऑर्बिट के बाद वो चांद के करीब होने लगता है। फाइनली 23 अगस्त शाम के 6 बजे चंद्रयान चांद के बहुत करीब आ जाता है और चांद की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर उससे लैंडर डिटैच होकर चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होते ही पूरे इंडिया में जश्न का समा होता है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था कि कम बजट में और बहुत कम रिसोर्सेज के होते हुए भी इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया था। इंडिया चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाली पहली और दुनिया में चांद पे पहुंचने वाली 4th कंट्री बन चुका था, तो ऐसे में उनका जश्न करना तो बनता था। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस के बाद अब इंडिया प्लान कर रहा है एक और मिशन, जिसका नाम होगा गगनयान, जो 2025 में भेजा जाएगा। इस मिशन में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऑर्बिटर में बिठा के चांद का ऑर्बिट करवाया जाएगा। यूं इंडिया अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क बन जाएगा जिसमें चांद के करीब किसी इंसान को भेजा हो। अमेरिका का जो मिशन है आर्टिमिस 2, वो भी साल 2025 में ही लॉन्च किया जाएगा। उसकी प्लानिंग भी कुछ सेम है, यानी इंसानों को चांद के ऑर्बिट में भेजना। अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।